नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले एक नजर आज के कुछ अहम सुर्खियों पर। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे हुआ तांडव। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, दो की हुई मौत। ट्रक व ट्रैक्टर की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खेद प्रकट करने के बाद समाप्त हुआ नगर आयुक्त द्वारा दुर्व्यवहार का मामला। एसएसपी ने बारीकी से किया थाना जनकपुरी का वार्षिक निरीक्षण। योग शिविर में दूसरे दिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। अमर शहीद इंटर कॉलेज रोड पर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे हुआ तांडव। ये मामला है कुतुबशेर थाने की मानकमऊ चौकी क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 का, जहां पर कुछ युवाओं ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था और वे सभी युवा मारपीट की पूरी तैयारी करके आए थे। बता दें कि किसी बात को लेकर दो पक्षों के युवाओं में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। अति व्यस्त इलाके में हुई मारपीट से अफरा तफरी मच गई। ट्रक व ट्रैक्टर की टक्कर में हुई युवक की दर्दनाक मौत। नागल स्टेट हाईवे 59 पर गांव वसेड़ा के निकट ट्रक व ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक की पहचान पहाड़पुर निवासी नफीस के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष केपी सिंह व अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नगर आयुक्त द्वारा दुर्व्यवहार का मामला। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खेद प्रकट करने के बाद हुआ समाप्त। बीते दिन सोशल मीडिया पर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा बुजुर्ग पंडित के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके विरुद्ध दुर्गापुरी खलासी लाइन में नगर विधायक संजय गर्ग व मोहल्ले वासी धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। वहीं देर रात जिलाधिकारी के निर्देश पर ADME, नगर पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट, COCT, उप नगर आयुक्त व नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ सपा विधायक संजय गर्ग व मुकेश शर्मा व अन्य प्रतिनिधियों से वार्ता करने के उपरांत वरिष्ठ नागरिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर खेद प्रकट करते हुए आश्वस्त किया कि दुर्गापुरी पार्क से 15 दिनों में MRF सेंटर की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी और पार्क पार्क ही रहेगा। इस दौरान नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि जनता की सही मांग के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना ही पड़ा। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। स्क्रैप व्यापारियों से लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर अभियुक्तों सोहन वीर उर्फ सोनू निवासी मथुरा, संदीप कुमार निवासी हाथरस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लूट के 26 लाख रुपए नगद, वैगनार कार, अवैध असलाह व कारतूस भी बरामद हुआ। घटनाक्रम की जानकारी दी है SSP डॉक्टर एसचिनप्पा ने, सुनिए। और जो ये जो चार लोग है जो स्क्रैप बेचने वाले थे, ये मथुरा और हाथरस के रहने वाले हैं। तो यहाँ इनका एक जो दो व्यापारियों को बुला के कुल 40 लाख रुपए का जो स्क्रैप बेचने का इनका डील था, तो इसी को चलते हुए वो खरीदने वाले आए थे पैसा लेके। फिर इन लोगों ने दिन भर उनको इधर उधर घुमाते रहे और बताते रहे कि अभी हमारे साहब आएंगे, बॉस आएंगे करके। तो जब रात हो गई, 9:30-10 बज गई, तो तब इन लोगों ने उनको पैसा मांगा जो विदाउट जो स्क्रैप दिए बिना, तो उन लोगों ने मना कर दिया था। तो उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर दिया, तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनके पास जो बैग का पैसा था उसको छीन के भाग गए थे। तो सूचना मिल गई थी, तो सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने टीम वगैरह गठित कर लिया गया है। तो गठित करने के बाद इसमें दो अपराधियों का जो जो घटना में संलिप्त थे उनका गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनमें से जो जो बैग से पैसा छीन के भागे थे वो 100% पैसा बरामद हो गया है। और दो अभियुक्त और उनके पास एक जो अवैध अस्त्र भी बरामद हुआ है। और इसमें दो और संलिप्त हैं, उनका गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है। और पूरी टीम को DIG साहब ने 25,000 रुपीज़ का इनाम घोषित कर दिया गया है। और जल्दी से जल्दी शेष अभियुक्त डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के तत्वाधान में दवा व्यापारियों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को दवा मंडी से आवेद छूट के बोर्ड हटाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। दवा थोक मंडी में मेडिकल स्टोर पर 15-20% छूट, 15-50% छूट के बोर्ड लगाकर मरीजों को भ्रमित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, जिससे लोग डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्चे को लेकर दवा मंडी में घूमते रहते हैं। पार्किंग की व्यवस्था न होने के चलते भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के पालन का उल्लंघन भी किया जा रहा है।
इस तरह के सभी बोर्डों को वहां से हटाया जाए तथा थोक मंडी में रिटेल के लाइसेंस जारी ना किया जाए। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को सहारनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान के तहत थाना प्रभारी उमेश रोरिया ने अपनी टीम के साथ गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त चीनू कपिल पुत्र किशन पाल व अभियुक्त अमित को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पकड़े गए अपराधियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। एसएसपी ने किया थाना जनकपुरी का वार्षिक निरीक्षण, 25,000 रुपए इनाम की घोषणा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा द्वारा थाना जनकपुरी का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाने में साफ सफाई व्यवस्था, रजिस्टर का रखरखाव देखा गया तथा महिला पुलिस कर्मी को अपनी समस्या को लेकर पहुंची सभी महिलाओं की समस्या सुन उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए। वही निरीक्षण के बाद एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा ने जनकपुरी प्रभारी व पुलिस स्टाफ की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, सुनिए। पुरी का वार्षिक निरीक्षण रखा गया है और इसमें थाने की जो साफ सफाई, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, रजिस्टर का रखरखाव देखा जाएगा। तो ये शुरुआती तौर पे इन्होंने जो आप सब देख रहे हैं, थाने का साफ सफाई और इनका मेंटेनेंस बहुत बहुत उच्च कोटि का कराया गया है थानाध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा। तो इसके लिए मैं उनके उत्साहवर्धन हेतु उनके जो पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषणा करता हूँ। बाकी जो इनका जो रजिस्टर्स वगैरह चेक किया जाएगा, जो भी कमियां हैं इनको समय सीमा अवधि के अंतर निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा। कोरोना के विरुद्ध योग युद्ध। सहारनपुर के कंपनी बाग में IIA द्वारा आयोजित 5 दिवसीय योग शिविर में दूसरे दिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सहारनपुर में बढ़ते कोरोना के आंकड़े व बढ़ती लापरवाही को देखते हुए IIA द्वारा 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आज दूसरा दिन था, जिसमें दूसरे दिन बड़े बुजुर्गों, युवाओं के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी योग शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान योग गुरु पद्म श्री भारत भूषण जी ने सभी को जीवन में योग करने के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, मासूम सहित 2 की हुई मौत, 30 से ज्यादा श्रद्धालु हैं घायल। सिद्ध पीठ माँ शाकुंभरी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टरों की दौड़ की होड़ में ट्रैक्टर ट्रोली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में 6 वर्षीय मासूम और 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पूरी घटना कल बीते दिन बुधवार शाम करीब 5 बजे की है, जब शाकुंभरी मार्ग स्थित भागवाले के निकट ये हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे SDM बेहट दीप्ति देव ने जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। कब्रिस्तान तकिया के मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता व क्षेत्र पार्षद पहुंचा जिलाधिकारी के द्वार, कराया मामले से अवगत, कहा सरेआम हाईकोर्ट के आदेशों का किया जा रहा है उल्लंघन। देखिए क्या है पूरा मामला, जानते हैं खुद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता से। एक प्रतिनिधिमंडल अपने पूरे कब्रिस्तान जो हमारा तकिया पड़ता है उनके सबके साथियों के साथ, आसिफ भाई हमारे पार्षद हैं, इनके नेतृत्व में इनके क्षेत्र से ये लोग आए हैं। एक 690 वक्फ बोर्ड का मामला है तकिए का, सहारनपुर का। 690 पर हाईकोर्ट के केवल स्पष्ट रूप से आदेश हैं कि अगले आदेशों तक डेमोलिशन की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है। ये स्पष्ट आदेश है मेरे पास, ये हाईकोर्ट का आदेश है। उसके बावजूद भी पुलिस बार बार वहाँ जाती रही और हाईकोर्ट के जब स्टे आ गया उसके बावजूद भी कल वहाँ गई और एक खोखे को डेमोलेट किया उन्होंने। हमारा कहना ये है कि अगर ये सरकार, ये प्रशासन हाईकोर्ट की भी आदेश को नहीं मानता तो फिर किसके आदेशों को मानेगा। आज हम उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने आए थे कि हाईकोर्टों के आदेशों की खुल्लम खुल्ला अवहेलना हो रही है। में आज वीरवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण सैनी के निवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाता है, कार्यकर्ता पार्टी की ताकत होते हैं। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद पवार, टिंकू पंडे, दुष्यंत धीमान, नामित सभासद सत्यपाल सिंह, संदीप शर्मा, सौरभ सैनी, डॉक्टर राम निवास सैनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।